सागर जिले की बंडा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी तरबर सिंह का चुनावी प्रचार प्रसार अभियान भी जोरों पर है। कांग्रेस प्रत्याशी तरबर सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुबह से ही मोर्चा संभाल क्षेत्र में जनसंपर्क करते नजर आ रहे हैं और मतदाताओं के बीच पहुंच पुनः उन्हें एक बार मौका मिले इसका अनुरोध कर जीत का आशीर्वाद भी मांग रहे हैं। सहज सरल छवि के तरबर सिंह को जनता का खासा समर्थन भी मिल रहा है और लगातार दूसरी बार पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। तरबर सिंह का मानना है कि अभी भी क्षेत्र में चिकित्सा शिक्षा रोजगार पेयजल सहित विकास की दृष्टि से बहुत काम की जरूरत है जो उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही वह इस दृष्टि से हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने सत्ताधारी दल पर बंडा के विकास के मामले में सौतीला व्यवहार करने का आरोप भी लगाया जिसके चलते आज भी बंडा विकास से अछूता है। जनसंपर्क के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद रहे। देखिए जैसा कि 2018 में भी आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे क्षेत्र की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से और कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से मुझे 2018 में कांग्रेस पार्टी से बंडा विधानसभा का प्रत्याशी बनाया था और इस बार भी मुझ पर पार्टी ने क्षेत्र की जनता ने विश्वास मुझ पर किया है और फिर से आदरणीय कमलनाथ जी ने मुझे बंडा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। सबसे पहले तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और साथ ही साथ अगर बंडा विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो इन 5 सालों में विधानसभा क्षेत्र की जनता के बीच में मैं एक परिवार की तरह रहा हूँ और उनके सुख दुख में शामिल हुआ हूँ और उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल किया है और जनता का हम जहाँ भी प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं तो जनता का अच्छा कांग्रेस पार्टी के लिए मेरे लिए समर्थन मिल रहा है। भाई जब प्राथमिकता की बात करी जाए तो क्या रह गया है कि जो अब आप अगर आप जनता आपको चुनती है तो पहले आप वो कार्य करेंगे? देखिए अगर बंडा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो इन 18-19 सालों में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और बंडा विधानसभा क्षेत्र के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया है। अगर हम स्वास्थ्य की बात कहें तो ना ही तो हमारे बंडा विधानसभा क्षेत्र में बड़ी अस्पतालें हैं, जैसे तैसे इस बार हमने एक 50 बिस्तरीय हॉस्पिटल कराया है लेकिन हम चाह रहे थे कि सिविल हॉस्पिटल 100 बिस्तरीय हो। आने वाले समय में एक सायगढ़ में भी हम सिविल हॉस्पिटल कराएंगे और बंडा में भी, और जैसा कि हमारी नगर पालिका है जो नगर परिषद है बंडा, सायगढ़ भी नगर परिषद है जबकि नगर पालिका होना चाहिए, तो दोनों नगर पालिकाएँ भी होंगी। हमारे विधानसभा क्षेत्र में 2 कॉलेज हैं सायगढ़ और बंडा में, लेकिन क्षेत्र बड़ा है तो आने वाले समय में 1 कॉलेज बरा और कंदवा के बीच में, दूसरी कॉलेज बरायठा, ठीक है, और साथ ही साथ में बंडा और सायगढ़ नगर की पेयजल व्यवस्था भी अस्त व्यस्त है। इन 15-20 सालों में एक पेयजल की व्यवस्था शहर में नहीं हो पाई, दोनों शहरों में नहीं हो पाई, तो वो भी एक ऐसी व्यवस्था करी जाएगी ताकि नागरिकों को हमारे चाहे बंडा के हों चाहे सायगढ़ के डेली पेयजल की व्यवस्था हो सके। साथ ही साथ में हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो गरीब परिवार हैं इनके लिए मजदूरी की व्यवस्था नहीं हो पाती और कुछ ऐसे पढ़े लिखे युवा हैं जिन्हें कोई रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, तो जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई उद्योग हो, कोई फैक्ट्री लगे ताकि उसमें कुछ पढ़े लिखे लड़के भी उसमें वहाँ से हो सके और कुछ जो गरीब परिवार जो दूसरे प्रदेशों में जाके अपने परिवार को चलाने के लिए मजदूरी करने जाते हैं उनको मजदूरी भी हमारे ही मंडा विधानसभा क्षेत्र में मिले। और साथ ही साथ में कुछ गांव ऐसे भी रह गए हैं जो कि बंडा बृहत परियोजना से शीर्ष से वंचित है, तो उन गांव को भी हम बंडा बृहत परियोजना से जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि उन गांव की खेती की सीज कराई जा सके। और साथ ही साथ में कुछ ग्राम ऐसे भी रह गए हैं जहाँ पर
मुख्य मार्ग तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क नहीं है, तो उन्हें भी जोड़ने का पूरा प्रयास किया जाएगा।